हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन भी सदन में खूब हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष में कई बार तीखी नोकझोंक देखने को मिली। चुराह से बीजेपी विधायक हंसराज ने सदन में आमरण अनशन की चेतावनी तक दे डाली। उन्होंने कहा कि विधायक विकास निधि को तुरंत बहाल किया जाए, अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो वे धरने पर बैठ जाएंगे। उन्होंने कहा कि जरूरी हुआ तो आमरण अनशन करने से भी वे पीछे नहीं हटेंगे। इससे पहले पूर्व मंत्री व पांवटा साहिब से बीजेपी विधायक सुखराम चौधरी ने नियम 67 के तहत सदन में प्रस्ताव लाया और ऑफिस डीनोटिफाई करने के मसले पर चर्चा की मांग की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नियम 67 अब रूटीन बनकर रह गया है, विपक्ष इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने इस विषय पर चर्चा की मंजूरी देने की बात कही। स्पीकर ने भी विपक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कार्यसूची सस्पेंड कर इस पर चर्चा की मंजूरी दी। ऐसा अनशन या आंदोलन कोई व्यक्ति ऐसे खामखा नहीं करता। हम तो ऐसे देश में जन्मे हैं जहां 23 साल का युवा जो है वो भगत सिंह इस देश के लिए कुर्बान हो जाता है, और वहीं पर महात्मा गांधी जैसे लोग भी हुए हैं, विवेकानंद जैसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने अन्य जगह पर जा करके। मेरा तो सिर्फ इतना ही मसला था कि नई सरकार है, व्यवस्था परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन, आप ये शब्द बार बार बोल रहे हैं, आप करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो है वो चंबा जैसे एस्पिरेशनल जिला को या चुराह जैसे विधानसभा क्षेत्र को नदौन के साथ या हमीरपुर के साथ तुलना नहीं कर सकते। आपको रिव्यू करना चाहिए था। आपने जो डीनोटिफिकेशन करी है, एक तरफ आप पैसे का रोना रो रहे हैं, दूसरी तरफ CPS साथ साथ भर्ती कर दिए आपने, जो है वो ये क्या कहते हैं वो चेयरमैन बना दिए चार चार, और आप ये कर क्या रहे हैं? मतलब मैं तो ये यही अंदर ही बोल रहा था, लोग अंदर बात खा जाते हैं, लेकिन मेरा ये थोड़ा वीक पॉइंट रहा है कि मेरे को जब तक वो चीज़ बोली ना जाए तब तक चैन ही नहीं आता। इसीलिए हमने कहा कि चुराह, भरमौर, पांगी, डलहौजी, चंबा सदर, भटियात, ये बहुत पिछड़े ज़िले हैं। इसीलिए मैंने आदरणीय स्पीकर साहब को भी कहा था कि आप स्पीकर ना होकर के कैबिनेट में होते तो चंबा की बात और दृढ़ता से रखते। हालांकि स्पीकर साहब शायद नाराज भी हुए होंगे, लेकिन हमने उनके लिए नहीं अपने लिए कहा था कि हमारा बंदा कोई जो है वो कैबिनेट में होना चाहिए ताकि न्याय की मांग करे वहाँ पर। अब ये जो संस्थान, जैसे मेरा डिवीजन बंद कर दिया, बिजली बोर्ड का सब डिवीजन बंद कर दिया, एक डेवलपमेंटल ब्लॉक खोला था, एक बड़ी मुश्किल से हमने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खोला था, दो PHC खोले थे जिसमें हमने बाकायदा जस्टिफिकेशन बताई, डिस्टेंसें भी बताई कि 100 किलोमीटर पे थोड़ी सर्विस वायर के लिए कोई जाएगा, 100 किलोमीटर पे थोड़ी। आजकल बच्चों के एग्ज़ाम लगे हैं, पिछले दो हफ्ते से जो है वो हमें लाइट उपलब्ध नहीं हो रही है। आयल पंचायत में बुरे हाल हो गए, डौरी में बहुत बुरे हाल हो गए, हमारा जो देवी कोठी टेपा का इलाका वहाँ बुरी हाल थी, अभी मसरूंड के इलाके में दिक्कत हो गई थी। तो ये डिवीजन हुआ होता या चला रहता वो जहाँ एक्सीन बिठाया था हमने, तो आज ये हालात नहीं होते। तो जैसा हमने पूर्व मुख्यमंत्री जी से जब आग्रह किया जयराम जी से, उसकी वजह से वो संस्थाएं खुली, तो इनको एक बार रिव्यू जरूर करना चाहिए था, आनन फानन में निर्णय नहीं लेने। बस तो हम उसका स्वागत करेंगे, अभी बजट में हम इंतजार कर रहे हैं। MLA प्रायोरिटी की मीटिंग में भी हमने कहा था कि आप हमारे विधानसभा क्षेत्र की तुलना जो है वो शिमला के सदर विधानसभा क्षेत्र से ना करिए, ना ही बिलासपुर के या कांगड़ा के या हमीरपुर के किसी विधानसभा क्षेत्र के साथ। हमारे साथ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस आज़ादी के 76 सालों में, लगभग 55 से 60 साल कांग्रेस ने शासन किया है हिमाचल प्रदेश में, और सबसे बड़ा नुकसान भी जो है वो कांग्रेस ने ही किया हुआ है। और आप जो है एकदम जो है वो सारी चीज़ें बदलने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कथनी करनी में अंतर रखा हुआ है इन्होंने, इसीलिए हम नहीं माने। नहीं तो वो बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और उनसे बहुत बड़ी उम्मीद है, इसीलिए हमने आज सारी चीज़ें कही हैं। हाँ, मैं खुद बैठूंगा, मैं तो खुद अमरनाथ पर बैठ जाऊँगा। अब इसीलिए जनता ने भेजा हुआ है, हमने कहा है ये करना पड़ेगा।